दोस्तों आखिर कैसे गुजरात टाइटन ने 99% हारा हुआ मैच जीता, और जहां दिल्ली के बोल्डरों के आगे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने घुटने टेक दिए थे, वहीं फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसको देखकर स्टेडियम में बैठे लोग भी चकित रह गए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं लाइव मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो। लेकिन यार इससे पहले अगर आप भी ऋषभ पंत के सच्चे फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों दिल्ली कैपिटल वर्सेस गुजरात टाइटन के बीच आईपीएल का 7वां मुकाबला एक कांटे का मुकाबला हुआ, जहां पर गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी तरफ बैटिंग करने उतरे दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई, और डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शाह ओपनिंग करने आए थे। और दोस्तों पहले ही 29 रनों के स्कोर पर पृथ्वी शाह को मोहम्मद शमी ने बाउंसर बॉल डाली, और जहां पर वो कट लगाकर पवेलियन पहुंच गए, और पृथ्वी शाह ने 5 बॉलों में मात्र 7 रन और 1 चौका लगाया। वहीं नंबर 3 पर घातक बल्लेबाज मिचेल मार्श की एंट्री होती है, लेकिन मिचेल मार्श भी 4 बॉलों में 4 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। दूसरी तरफ डेविड वार्नर गुस्से में काफी तेजी से रन बना रहे थे। वहीं 67 रन के स्कोर पर अल्जारी जोसेफ की गेंद पर बोल्ड हो गए, और लगातार दूसरी तरफ रिली रोजो भी बाउंसर पर कट लगा बैठे, और वहीं दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों को एक साथ अल्जारी जोसेफ ने पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां डेविड वार्नर ने 32 बॉलों में 37 रन की नाबाद पारी के साथ 7 चौके लगाए। और वहीं दूसरी तरफ ओपनिंग करने आए सरफराज खान धीरे धीरे रन बना रहे थे, उन्हीं का साथ देते हुए अभिषेक पोरेल भी तेजी से रन बना रहे थे। और फिर वहीं हार्दिक पांड्या ने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी राशिद खान को ओवर दिया, जहां राशिद खान ने अपनी चतुराई से पहली बॉल पर अभिषेक पारेल को बोल्ड कर दिया और उंगली दिखाते हुए पवेलियन का रास्ता बताया। वहीं दोस्तों दिल्ली के टॉप बल्लेबाज सभी पवेलियन पहुंच गए थे, लेकिन उन्हीं के बीच एक संकट मोचन बनकर आया अक्षर पटेल मैदान में उतरते ही चक्के छक्कों की बारिश करने लगे, जिसको देखकर खुद हार्दिक पांड्या भी एक पल के लिए डर गए थे। मगर फिर अक्षर पटेल आखिरी ओवर में छक्के की तलाश में मोहम्मद शमी की गेंद पर आउट हो गए, और वहीं 22 बॉलों में 36 रन की नाबाद पारी के साथ 2 चौके और 3 छक्के मारकर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी फैंस को चौंका दिया, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल ने 162 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटन के खिलाड़ी अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए मैदान में उतरते हैं, और पहले ही 22 रन के स्कोर पर रिद्धिमान शाह को एनरिक नॉर्थजे सीधा बोल्ड कर देते हैं और वापिस से पवेलियन भेज देते हैं, जहां रिद्धिमान शाह ने 7 बॉलों पर 14 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं इनके बाद दिग्गज खिलाड़ी शुभमन गिल ने 36 रन के स्कोर पर 13 बॉलों में 14 रन पर 3 चौके लगाकर बोल्ड होकर चले गए। फिर लगातार हार्दिक पांड्या भी 4 बॉलों पर 5 रन बनाकर पवेलियन पहुंच गए। वहीं दोस्तों इसके बाद मैच पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल के हाथों में आ गया था, और गुजरात के सभी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पवेलियन पहुंच गए थे। इसी बीच गुजरात के संकट मोचन बने साई सुदर्शन मैच को हार के मुंह से वापस छीन लाए, लेकिन फिर मिचेल मार्श ने विजय शंकर को LPW आउट करके पवेलियन भेज दिया था। वहीं विजय शंकर ने 23 बॉलों में 29 रन की शानदार विनर पारी खेली, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इनके बाद डेविड मिलर ने 16 बॉलों पर 31 रन की नाबाद पारी खेलकर गुजरात को तेजी से रन बनाकर अपना परिचय दिया, लेकिन मैन ऑफ द मैच साई सुदर्शन, जिन्होंने 99% हारा हुआ मैच गुजरात को जिताया और मात्र 48 गेंदों में 62 रन और 4 चौके 2 छक्के लगाए। दोस्तों जहां सभी खिलाड़ी पवेलियन पहुंच गए थे, वहीं इस खिलाड़ी ने आखिरी दम तक लड़े और जीत दिलाई। दोस्तों इस दिग्गज खिलाड़ी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार। एंड जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।